में मैं दीक्षा आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि आप अपनी लूज स्किन को वापस से टाइट कैसे कर सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जब भी स्किन में कसावट कम हो जाती है तब हमारी स्किन लूज पड़ जाती है और इसे टाइट करने के लिए आप कुछ भी करो ये टाइट ही नहीं होती। अगर स्किन हमारी लूज पड़ जाए तो हम उम्र में ज्यादा लगते हैं। अगर आप अपनी स्किन की अच्छे से देखभाल नहीं कर रहे हैं या फिर डाइटिंग के चक्कर में कम खाना खा रहे हैं और आपका बहुत सारा वेट लूज हो गया है, या फिर अगर आप बहुत सारा स्मोकिंग और दारू पीते हैं तो इसके वजह से आपकी स्किन में कसावट कम हो सकती है जो कारण होता है आपके लूज स्किन का। आपकी स्किन चाहे कितनी भी गोरी हो और कितनी भी सुंदर हो पर अगर वो लूज पड़ गई है तो ये आपकी पर्सनैलिटी पर एक बहुत बुरा असर डालता है। तो चलिए देखते हैं कि आप अपनी लूज स्किन को टाइट कैसे कर सकते हैं। पर रुकिए, इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल बटन है उसे भी दबा लीजिए। इससे मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो पहला उपाय है जिसके लिए आपको चाहिए केला। केले में एंटी एजिंग और स्किन मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। केला एजिंग साइंस को कम करता है और हमारी स्किन में कसावट वापस लाने में भी मदद करता है। इसके लिए आप एक मीडियम साइज केला लेकर उसे अच्छे से मैश कीजिए और इस मैश में आप थोड़ा सा शहद मिला लीजिए। तो एक केले के लिए आप एक चम्मच शहद मिला सकती हैं। इस मिश्रण को आप अपने चेहरे पर लगाकर इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दें। यह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और आप इसे रोजाना या फिर अल्टरनेट डेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 मिनट के बाद आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लीजिए, आपकी स्किन में कसावट आ जाएगी और आपकी स्किन टाइट हो जाएगी। दूसरा उपाय है जिसके लिए आपको चाहिए अंडा। अंडे में बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और ये हमारी स्किन के इलास्टिसिटी को भी बढ़ा देता है। तो इसके लिए आप एक अंडे को फोड़ दीजिए और उसमें से सफेद भाग को अलग कर लीजिए और इस सफेद भाग में आप थोड़ा सा दही मिला लीजिए। दही में भी लैक्टिक एसिड प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके वजह से अगर आपके चेहरे पर कोई भी दाग धब्बे हैं तो वो भी हट जाएंगे। तो इस मिश्रण को आप अपने चेहरे पर लगाकर या फिर अच्छे से मसाज करने के बाद 20 से 25 मिनट तक छोड़ दें। बाद में आप अपने चेहरे को धो लीजिए। इस उपाय को आप हफ्ते में 1 से 2 बार जरूर करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये 3 उपायों के साथ साथ आप अपने डाइट को भी इम्प्रूव करें। बहुत सारे फल खाएं, हरी सब्जियां खाएं जिनमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं और जो हमारी स्किन के टाइटनिंग में हमारी मदद करते हैं। आप कोई भी कोकोनट ऑयल या फिर बादाम का तेल लेकर अपने स्किन पर मसाज भी कर सकते हैं। इसकी वजह से आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और आपके स्किन में कसावट आ जाएगी। और तीसरी चीज, ये मैं मेरे हर वीडियो में कहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, इससे आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, आपके बॉडी के सभी सिस्टम्स अच्छे से चलते हैं और आपकी स्किन भी टाइटन हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आज के मेरे टिप्स? अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को आप व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इफेक्टिव टिप्स और रेमेडीज के साथ। तब तक के लिए बाय।